आज का मेरा ब्लॉग होगा पाब्लो के ऊपर। पाब्लो खाना खाना भूल गया, गाना गाना भूल गया, भौंकना भूल गया, चुलबुली होना भूल गया, क्योंकि उसको हो गया है प्यार। मैं जंगलों में इतनी घुमा। हाँ हाँ चलो राइट सीधा। पहले इतना बड़ा ट्रक जा सकती थी उस रास्ते में, फिर हुआ मिनी बस, उसके बाद गाड़ी, और अभी तो लग रहा है स्कूटी जा सकती है बस इसमें। हाँ, ऐसा है। बड़ा ही ना गाड़ी आगे बढ़ रही है। क्या है गुरु? ओह माय गॉड, ओह माय, गुंडे लोग खड़े यार बीच में, इतनी गाड़ी पार्क कर दी है। हाँ लेकिन ये रास्ता है, उसको बोलो स्कूटी हटा। गाड़ी जाएगी? हाँ बोलो स्कूटी हटाओ। व्हाट इज दिस? अरे हम जब भी आते हैं जाते टाइम पता नहीं अलग रास्ता लेते हैं। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं वही रास्ते से लेके जाऊंगी जहाँ से गाड़ी आती है, तो क्या उल्टा पुल्टा ही हो गया। गुरु बैठ जाएगा क्या? वो सामने भी वो स्कूटी को हटाना पड़ेगा। हाँ पता है वो करेंगे। लेकिन लेकिन बैठ। अरे कौन चला रहा है? अरे नहीं 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 वो उधर ही चला गया स्कूटी नहीं हटा के। सो दिस प्लेस कॉल्ड बाबा ओरम। हम ये रोड से आते थे। गुरु जा रहे हैं, मैं कैसे जाऊं? राइट चलो, तुम लेफ्ट जाओ ही मत। रुको 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 रुको, क्यों रुको? वो सामने बोल रहा चलो। ना ना वो गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। अब तो निकल ही जाओ, अब क्या है, क्या सोच रही हो? नहीं वो I'll sit behind. And why I'm fumbling? Doing everything. Okay, now I have to go left now. Oh yeah, right, right, right. Right. जिंदगी में हमेशा right. Left लेके वापस जहाँ से आए वहाँ चले जाते हैं। But जीवी ने बहुत अच्छा। जीवी, I'm proud of you and your driving. मतलब you drive very daringly. मैं होती तो मैं वहाँ छोड़ देती, बोलती भाड़ में जाए, मैं नहीं जा पाऊंगी, गाड़ी अभी कोई निकालो। तुम धीरे धीरे चलने लगी, स्लो मोशन में ड्राइव करती रहो, बोलते बोलते कर लिया और बिना किसी खरोच में हमारी गाड़ी निकल आई। ये नहीं, घर पे तो खाना पीना खाना ही छोड़ दिया उसने। क्यों? जब से जूलियट को मिला। तो मेरे साथ भी तो ऐसे हुआ था ना, जब मैं पहली बार तुम्हें मिला था मैंने भी खाना पीना छोड़ दिया था और फिर मैंने गाना गाया था, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाके मुझे बेटा बाप पे गया ना, ये मेरे पे गया है और जूलियट को पटा के रह गए। बट आई विल स्टिल ट्राई इफ ही ईट समथिंग। एक्सक्यूज मी, Can you get one boiled egg? आया है पाब्लो का अंडा और पाब्लो को पता है कि उसका अंडा आया है, तभी मैं इसको पहले मैश करूंगी। पाब्लो को छोड़ के कहाँ चली तुम? I'm very scared. अरे पाब्लो को अचानक छोड़ के यू कांट रन, ही विल रन आफ्टर यू। जाके देखो ना साहब, ये क्या एबनॉर्मल बिहेव कर रही हो, पाँव ठोक रही हो खड़े खड़े। वो देयर एंड सी ना। मैं भी जाके साफ दिखाती हूँ आप लोगों को। कहाँ है? क्या ये उधर है कोने में? छोटा ही हो वो जो घर दिख रहा है, उस घर में बॉम्बे से ही आई हुई है एक फैमिली, उसके उन लोगों के पास है एक छोटी सी फीमेल चिहुआहुआ। तो वहाँ पे हमें मिला पाब्लो का गर्लफ्रेंड। पाब्लो को उससे प्यार हो गया है। पाब्लो को जब भी देखो दरवाजे पे या खिड़की पे चढ़ के उसी तरफ देख के खड़ा रह जाता है। देखिए अभी भी उसकी नज़र उधर ही टिकी हुई है। और पहले बहुत डरा,
उसके बाद खुश हो गया। मेरा सॉफ्टी सा डॉगी छोटा सा बाबा परेशान हो गया। सुबह 5 बजे से उठ के शाम तक मेरे साथ कंपटीशन देते देते परेशान हो गया मेरा छोटा सा डॉगी। मुझे एक गर्लफ्रेंड मिली है, वो घर से नहीं निकलती। और इसका टेम्परामेंट भी बिल्कुल पाब्लो से मैच करता है। असली बात ये चल रहा है नीचे। क्या हुआ क्या हुआ क्या? कैसे वैसे पाब्लो लगता है एकदम सॉफ्ट सा, इसके सामने लग रहा है ये खड़क मस्कुलर, ये लग रही अदाए वाली सॉफ्टी सॉफ्टी। हाय हाय इतना गुस्सा ना, जा अंदर चलते। पाब्लो इज टेलिंग बाय। पाब्लो को बाय करने का मन तो कर नहीं रहा है, लेकिन पाब्लो फिर भी बाय कर रहा है। चल पाब्लो इतना थक गया है, कैसे पानी पी रहा है। बाप रे थोड़ा रिलैक्स भी कर लो पाब्लो, थोड़ी देर सो जाओ, आराम फरमा लो। पूरे टाइम ही मुंह को ऐसे करके बैठा रहता है कहीं और देख के। ओह नो, उसने दरवाजा खोलने का आवाज सुन लिया। अभी वो दुविधा में है, दरवाजा खुला है वो निकल जाएगा या तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि बाहर उसको पता है जूलियट है। जूलियट जूलियट जूलियट, हमारे जूलियट के नाम से पूछ हिला रहा है। बाय चांस दरवाजा कभी गलती से इतना सा भी खुला रह गया, पाब्लो सीधा दरवाजे से बाहर एंड सामने वाले दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाता है। पाबो मुझे मत भूल जाओ, पाबो मैं शो तुकाकु किकु किकु। बाबा तुमको बोलने आ रहा है, दरवाजा खोलो मुझे लेके जाओ। ओह माय गॉड, पूरा दिन ऐसे इंतजार का सिलसिला चलता रहता है। कम कम लेट्स गो। अरे चलो चलो। सो आज हम लोग सनसेट देखने आए, अनदर डे इन गोवा, और गेस व्हाट, पाब्लो आज भी हमारे साथ है। दैट इज द अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस ट्रिप। ये लोग तो सनसेट देख रहे हैं और ये मेरे पीछे आ रहा है क्योंकि इसको पाब्लो से मिलना है। लोगों को पाब्लो इतना पसंद है कि मुझे रोक रोक के पूछते हैं कौन है, इसका नाम क्या है, कितना स्टाइलिश है। मम्मी बाबू शू स्टाइलिश बाबू। पाब्लो ओवरलुकिंग द सनसेट विद पाब्लोज डैडी एंड लुक एट द सन, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आज हम वापस जा रहे हैं, जाने की तैयारी हो रही है, सब पैक वैक हो गया है ऑलमोस्ट, छोटी मोटी चीज़ें बाकी, वो सब गुरमीत पहनेगा। सब कुछ के बीच में पाब्लो नीड्स अ स्पेशल मेंशन बिकॉज ही हैज बीन द बेस्ट बॉय। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द बेस्ट बॉय इन दिस ट्रिप। और आज हम लोग वापस जा रहे हैं। सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि पाब्लो ने
एक साल में, अपने जिंदगी के एक साल में जितना घूमा, डेक्स्टर हमारे साथ 10 साल में उतना नहीं घूमा। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ हैविंग अ स्मॉल डॉगी। यू कैन ट्रैवल विथ योर डॉग एनी वेयर इन इंडिया। आई एंजॉयड ट्रैवलिंग विथ माई बाबो एंड आई होप दैट इफ यू हैव अ डॉग और इफ यू आर प्लानिंग टू हैव अ डॉग, हैव इट, बिकॉज दैट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। और ये वीडियो पाब्लो के साथ अगर आपको अच्छा लगा, यू नो द ड्रिल ऑफ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिबीना डिकोड्स फॉर पाब्लो, फॉर पाब्लो। और हाँ, पाब्लो का गर्लफ्रेंड को छोड़ के तो चले जा रहे हैं, पता नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। दुखी मत हो, दुखी मत हो, हम जा रहे हैं मुंबई।